जो कश्मीर में अभी हमारे सिख बेटी, हमारी सिख बहन के साथ जो हुआ है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, J&K पुलिस और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गुनहगार है उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपस में भाईचारा है, इस भाईचारे को खलल बलल करने की कोशिश ना कीजिए। और पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस केस में प्लीज़ कोई भी इंटरफेयर ना करे। ये किसी बहन की इज्जत का सवाल है, किसी की बेटी का इज्जत का सवाल है। जी सर, आप जानते हैं कि इस वक्त जो लव हाथ का मसला चल रहा है और कुछ लड़कियों को सुनने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन, इस मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सर श्री अकाल, नमस्कार। मैं इमरान शेख, नेशनल कॉन्फ्रेंस से यूथ लीडर। कुछ दिनों से मैंने भी न्यूज़ सुनी है कि जम्मू कश्मीर में ये लव जहाद का ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले बात ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर है, ये अमन का एक गुलदस्ता है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें आपस में भाईचारा है। जो इस टाइम ट्रेंड चल रही है कि लव जहाद को लेकर के, जो कश्मीर में अभी हमारे सिख बेटी, हमारी सिख बहन के साथ जो हुआ है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, J&K पुलिस और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गुनहगार है उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की को पूरी तरफ से इंसाफ मिलनी चाहिए। ये जो हमें आपस में भाईचारा है, चाहे हिंदुओं का, चाहे मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, हमें आपस में जम्मू कश्मीर में आपस में भाईचारा है, इस भाईचारे को खलल बलल करने की कोशिश ना कीजिए। और जम्मू कश्मीर की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और जो गुनहगार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस केस में प्लीज़ कोई भी इंटरफेयर ना करे। ये किसी बहन की इज्जत का सवाल है, किसी की बेटी का इज्जत का सवाल है। इसमें प्लीज़ राजनीति करने की कोशिश ना कीजिए।